नाथ जी गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज की जो कहानी है ये एक बहुत संभ्रांत पढ़े लिखे परिवार की कहानी है। जब लोग मुझे ये बोलते हैं ना कि आप इतने पढ़े लिखे हो करके और कैसे इन चीजों पर विश्वास करते हो, तंत्र पर, अघोर पर, मुझे उन पर हंसी आती है। एक आम समाज किसे पढ़ा लिखा मानता है, किस व्यवसाय वाले को, किस वर्ग वाले को? ऐसा कोई वर्ग अछूता नहीं है जो हमारे भैरव के दरबार में ना आता हो। ऐसे ही एक संभ्रांत परिवार कर्नाटका से, जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी धर्मपत्नी भी इंजीनियर, और एक छोटी बच्ची जो एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने जाती थी। जब उन्होंने हमें फोन किया तो उन्होंने कई उपाय देख रखे थे। देखो, जब चैनल का नाम अघोर तंत्र रहस्य है, लोगों को पता है कि अघोर प्रैक्टिशनर है, तो अघोरी के पास कोई भी अंत में ही आता है। जब वो हर जगह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या मौलवी, पादरी सबसे जब त्रस्त हो जाता है, तब अंत में तंत्र की शरण में आता है। इन लोगों ने भी हर तरीके का उपाय कर लिया था अपने घर में। इन्होंने हमें जब फोन किया था तो काफी शांतिपूर्वक ढंग से ये हमसे बात कर रहे थे और धीरे धीरे इन्होंने अपने सारे समस्याओं को बताया। तो जो इनके घर में समस्या हो रही थी उसमें मुझे शुरुआती तौर पे लगा कि इनके घर में किसी भूत का साया है, क्योंकि बैंगलोर था और अपार्टमेंट था जिसमें ये भाड़े पे रहते थे, ये मूलभूत रूप से वहां के रहने वाले नहीं थे। तो ऐसी बहुत सारी केसेस देखी गई हैं जिसमें कि भाड़ा का घर हो और पता ही ना हो कि पहले कौन रहता था, वहां क्या हादसा हुआ है, लोग घर ले लेते हैं बाद में पछताते हैं। लेकिन एक दो वार्तालाप के बाद मैंने उनको बताया कि आपके घर में कुछ बहुत परेशान करने वाला तत्व मुझे नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई छाया आपके घर में है, तो एक गायत्री होम या हवन से आपके घर में काम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला, देखिए प्रभु जी, ऐसा है कि हमने बहुत सारा हवन पूजन करा रखा है, ठीक है, लेकिन एक समस्या है जो हमने आपको नहीं बताई थी। तो हमने पूछा क्या समस्या है, तो उन्होंने बोला हमारे घर में कपड़ों में आग लगता है, सामग्री में आग लगता है, घर में कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस बात पर हमने उनसे तुरंत पूछा कि क्या आपके घर में कभी किसी मौलाना का आगमन हुआ है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हुआ है। तुरंत प्रक्रिया के हिसाब से मैं किसी को भी शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं बताता हूँ जिससे वो परेशान हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि भूत में मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें नॉर्मली हो सकती हैं, लोग उससे परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने बोला कि हर समय आग लग रहा है, तब हमने इनका कुंडली वगैरह मंगवाया, घर का वास्तु देखा इनका, और हम तुरंत एक कंक्लूजन पर उस समय पहुंचे कि आपके घर में हो सकता है जिन का बाधा हो, क्योंकि किसी मौलवी को आपने बुलाया था, कोई समस्या नहीं भी होगी तो वो अपना मौकिल बैठा देता है ताकि लोग परेशान होते रहें और उसके पास जा जाके पैसे भरते रहें। इस बात से वो उन्होंने भी हामी भरी कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो घर में आग लग रही है उन्होंने CCTV लगा के देख लिया था कि कोई आग लगाता नहीं है। और हम इस मानसिकता के साथ कि इन सज्जन के घर में जो जिन है उसको हमको बाहर करना है, हम पूजा करने लगे। एक दिन किया, दो दिन किया, इन्होंने भी पूजा के लिए हामी भरा, तब हमने इनका पूजा शुरू किया। लेकिन कुछ हुआ और मैंने वो पूजा रोक दी। उस पूजा का जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, जब आप किसी के घर को बांधते हैं, ठीक है, तो आपको आभास होता है कि उस घर में क्या हो रहा है,
आपको समझ में आने लगता है कि जिस जगह का हम सफाई कर रहे हैं वो क्लियर हुआ कि नहीं। ये जो पर्टिकुलर केस था इसने मुझे आत्मबोध कराया था उस समय। क्या आत्मबोध कराया था? तंत्र में ओवर कॉन्फिडेंट आप नहीं हो सकते। तंत्र में हर एक स्टेप पर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आप सब कुछ नहीं जान सकते, आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते। इनसे बात करके, इनकी थोड़ी तांत्रिक कुंडली देख के, इनके घर का वास्तु देख के मैंने ऐसा अपने आप को तैयार कर लिया था कि हाँ, जो इनके घर में हो रहा है वो जिन, मतलब प्रेत एक तरह का हम मानते हैं उसको, उसके ही प्रभाव से हो रहा है। उस हिसाब से हम उसकी पूरी जो है सफाई करना शुरू कर दिया। हमने ये त्रुटि की कि हमने जब कुंडली देखा तो कुंडली और घर का योग नहीं देखा। ठीक है, कुंडली और घर का योग क्या है ये हमने देखा ही नहीं। दूसरा, सही बात यह है कि जो घर का मालिक था उसकी मैंने कुंडली देखी, वास्तु दोष को देखा, समझ में आया कि कुछ नहीं है, तो फिर ये किसी ना किसी का भेजा हुआ मौकिल है ना, खुद बैठ के ध्यान में उस स्थान को देखा। जब आपको लगता है ना कि आपको सब पता है तो आप सब करने लगते हैं, और तब भगवान एक इशारा देते हैं कि हाँ अब रुक जाओ, अब तो तुमने गलत कर दिया। तो मैंने जब इनका सॉल्यूशन शुरू किया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि 3 हवन में तो मैं इनका निराकरण निकाल दूंगा, लेकिन वहां जो मुझे दिखाई दे रहा था वो पूरा अंधकार था। आत्मबोध के बाद मैंने फिर से इनका पूरा जो केस है उसको, उसका रिसर्च शुरू किया, फिर से सब कुछ देखा, शिल्प शास्त्र के हिसाब से जो घर इन्होंने लिया था, इनका जो ग्रह दशा था, तंत्र के हिसाब से क्या चल रहा है इनके जीवन में, कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं समझ में आया। अंतोगत्व शून्य की शरण में गए, और तांत्रिक क्रिया से जब हमने उसके घर की परतें खोली तो पता चला कि उसके घर में प्रभाव बेताल का है। एक रुष्ट बेताल उनके घर में विराज रहा है, या फिर उस रुष्ट बेताल का ही उस घर पे पूरा असर था, और वो और उसके जो सेवक थे वो ही उस घर को बहुत उत्पीड़ित कर रहे थे। जैसे घर का जलना एक विषय था, घर में पैसा बहुत खर्चा होना और लोगों का बीमार होना, ये सब चल रहा था। तो बहुत आश्चर्यजनक विषय था, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वहाँ पर बेताल का प्रभाव कभी हमने देखा नहीं है। वो एक अलग, जैसे जो भारत का भूखंड है उसमें हर राज्य या फिर जो पुराने जमाने का था उसमें अलग अलग तंत्र हुए, तो अलग अलग तरीके की शक्तियों को प्रत्यक्ष कराया गया। ठीक है, और हर क्षेत्र की एक अलग शक्ति होती है, लेकिन बेताल का होना कर्नाटक में बहुत असमंजस भरा था, लेकिन था वही, ये हमने अपने तांत्रिक विद्या से जान लिया था। तो हमने उनको दूसरा दिन बताया कि ऐसा है कि आपके घर में अभी तक जो हमने किया वो गलत था, हमने पूरा शोध किया है और अब हमें ये समझ में आया कि आपके घर में एक बेताल का प्रभाव है। ठीक है, वो बड़े डिसगस्टेड हुए इस चीज़ को सुन करके, क्योंकि वो थे कहीं सेंट्रल इंडिया के, वो रह रहे थे कर्नाटक में, बेताल जैसे किसी चीज़ का उन्हें कोई इल्म नहीं था। तो फिर उन्होंने, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, संभ्रांत व्यक्ति थे, उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है, अब तो जो होना है होगा, क्योंकि उन्हें उस क्षण मुझ पर अविश्वास हो गया कि ये व्यक्ति जो है ये सही नहीं बता रहा है, हमारे घर में कोई बेताल हो नहीं सकता, भूत होता है, प्रेत होता है, जिन होता है, काला जादू होता है, ये तो तीसरे ही टैंजेंट में चला गया। हमने उनको समझाने का कोशिश किया कि देखिए जो है सो यही है, अब अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका निराकरण करूंगा, नहीं तो नहीं। तो उनके बाद में बहुत गोलमोल विषय था, हमने छोड़ दिया। एक सप्ताह बाद या उससे थोड़ा ज्यादा उन्होंने फिर हमें फोन किया, तो उन्होंने बोला कि आप ये बताओ कि बेताल होता क्यों है और वो हमारे घर पे क्यों प्रभावित करेगा। तो हमने बताया उनको कि बेताल जो होता है वो तो होता है भूतों का राजा, ठीक है, और उसका कार्य होता है यमलोक ले जाना जो पापी प्रेत होते हैं, लेकिन बेताल की पूजा जो है वो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी होती है, क्योंकि जब
सारे देवताओं को बुला गया था कि उस खंड में रहने के लिए, तो बेताल खास करके उस खंड में आके रहे थे। तो अगर आप उस खंड से आते तो मैं आपको सीधा जोड़ देता कि आपके आपका जो घर है उसके आसपास के बेताल से आप प्रभावित है। तो उन्होंने बोला, देखिए हमने एक बात आपको नहीं बताई थी। क्या विषय था भाई? तो विषय ये था कि उनके घर में तीन लोग थे, एक वो थी, उनकी धर्मपत्नी थी और उनकी बच्ची थी। जो उनकी बच्ची थी वो उनकी अपनी बच्ची नहीं थी, वो थी गोद ली हुई बच्ची। और वो महाराष्ट्र से थी। तो ये जो 7-8 दिन 10 दिन उन्होंने गैप लिया, उसमें पहले तो उन लोगों ने, ऑफ कोर्स आज के डेट में क्या है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से फ़ोन करिए, अभी हमें भी लोग जब फ़ोन करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो उन्होंने खुद इतना पढ़ रखा रहता है कि वो खुद हमें बताते हैं कि फलना नक्षत्र फलना ग्रह ये वो, जो तंत्र के बारे में बात करना चाहते हैं वो पहले बताने लगते हैं ये वो, क्योंकि सब पढ़ के रखते हैं। तो उन्होंने भी पढ़ा होगा बेताल के बारे में। वो चले गए फिर बेताल पे महाराष्ट्र, तब उन्हें ऐसा अंदाज हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिंक आ रहा है। फिर जिस ऑर्फनेज से उस बच्ची को उन्होंने अडॉप्ट किया था, वहां जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो महाराष्ट्र, वो बच्ची भी महाराष्ट्र के एक सीमावर्ती इलाके से आती थी जहां पर बेताल की पूजा होती है। उन्होंने जब इन सब चीजों को पूरा अध्ययन कर लिया तो फिर उन्होंने फोन किया कि प्रभु जी ये तो अब समस्या हो सकती है। अब बात ये थी कि जब तक आपको ये पता ना हो कि बेताल कौन सा है, क्या है और क्यों आया है, तब तक आप उसका क्या उपाय करोगे? देखो, प्रेत का ना बहुत सारा योनि होता है, ठीक है, और बेताल जो है वो उग्र योनि में आते हैं, और बेतालों के साथ एक पूरी सेना होती है। आप अगर उनको छेड़ देंगे तो वो छोड़ते नहीं है इंसानों को। मैं कभी आपको एक और कथा सुनाऊंगा बेताल की, जिसमें शंकर महाराज नाम के संत, वो महाराष्ट्र में जो बहुत फेमस है, शंकर महाराज नहीं, एक दूसरे शंकर महाराज थे, अघोरी थे, उन्होंने एक नारियल में किसी को बेताल दे दिया था और बेताल को सेवा करने के लिए दिया था, क्योंकि उनका सिद्ध बेताल था, और उसने सेवा के बदले उससे काम लिया, तो अंतोगत्वा उसकी पूरी परिवार समाप्त की कगारे पे आ गई थी। फिर वो हमारे पास आए थे। तो इस मामले में अब पता ही नहीं था कि ये आज्ञा बेताल है, नागड़ा बेताल है, किस प्रकार का बेताल है ना। बेताल में कई प्रकार होते हैं, प्रलय बेताल। जब कुछ ना समझ में आया तो फिर एक हमारे गुरु जी हैं जिन्होंने हमें योगिनी की शिक्षा दी है, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो योगिनी का आह्वान करके मैंने बोला कि हेमा मुझे एक इशारा करो कि मैं किस तरीके से इनकी सेवा करूं। उस हवन में उनके आने का आभास हुआ जोगनियों का, लेकिन ऐसा कुछ प्रत्यक्ष या कोई जवाब मुझे नहीं मिला कि क्या करना चाहिए। 3 दिन बाद जो गुरु थे जिन्होंने हमें योगिनी की शिक्षा दी थी, उनके एक शिष्य रांची पहुंचे और हमारे लिए कुछ वस्तु लेकर के आए, और उन्होंने बोला कि इसको भेंट करने के बाद जो है आपका जो आपने जो मांगा है माँ से वो आपकी पूर्ति हो जाएगी। जब वो सामग्री हमने देखा तो हम समझ गए कि ये एक इशारा है कि किस प्रकार का वो बेताल है जिसकी कुदृष्टि उस घर पर है। कुदृष्टि बोले या फिर नाराजगी इस घर पे है। जब और पता किया तो पता चला ये एकमात्र बेताल एक ही जगह पर, गोवा महाराष्ट्र के बॉर्डर पे एक ही गांव में विराजते हैं। फोन करके उन लोगों को बोला कि आप अमुक मंदिर पे चले जाएं और वहां पर जो सामग्री मेरे पास थी वो सामग्री मैंने उनको भिजवा दी और बोला कि इसको बस चढ़ा दीजिएगा, लेकिन जब आप चढ़ाने जाएं तो अपनी बेटी को साथ में लेकर के जाइएगा और ऐसा वहां प्रण लीजिएगा कि हर साल वहां ये जो हमने चढ़ावा दिया है ये चढ़ावा हर महीने आपको देंगे, हर साल देंगे एक बार और एक ही तिथि को देंगे। जितनी देर वो वहाँ गए और वहाँ से लौट कर आए,
तब तक वो शायद मेरे जीवन का ऐसा बहुत कम क्षणों में था कि मैं करीब 72 घंटे तक हवन से उठा नहीं था। अगर थोड़ा बहुत अपना कुछ शारीरिक प्रयोजन से उठता भी था तो मेरे साथ मेरे गुरु भाई थे तीन, वो हवन को कभी भी रुकने नहीं देते थे। योगिनी की शक्ति से और भैरव जी की शक्ति से हमने 3 दिन तक उस परिवार को बांध के रखा, क्योंकि ऐसा आशंका था कि क्योंकि वो बेताल काफ़ी नाराज थे तो हो सकता था कि वो या उनके जो रक्षक थे वो इनके साथ कुछ बुरा ना कर दें। सही बताओ तो मुझे ये भी डर था कि कहीं इनकी वो जान ना ले ले, इनकी मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए जितने देर तक ये हवाई जहाज से उड़े, उस मंदिर तक पहुँचे, वहाँ पूजा दिया, वहाँ तक वहाँ से लौट के घर आए, तब तक हम हवन करते ही रह गए, नित्य हवन करते रह गए और इनको सुरक्षित वापस लेके आए। और साथ में बेताल महाराज को भी ऐसे प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ ना करें। आज के दिन में परिवार खुश है, सुरक्षित है और अब भी वो साल में एक बार जरूर उस बेताल स्थान पर जाते हैं और पूजा देते हैं। ऐसी और कहानियाँ केस फाइल 2 में मैं आपको सुनाऊंगा। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसमें साधना का जो शुरुआती आयाम है, जैसे यंत्र बनाना, तंत्र करना छोटा छोटा, वो सब हम आपको सिखाते हैं। नंबर 9431188585 ये जो है पेड ग्रुप है। जिनको मेरे द्वारा लिखे गए लेख पढ़ने हैं वो www.akurtantrahasya.com पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए चाहे तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव और माँ जोगिनी आप सभी को सुरक्षित रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।